हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिडनी ग्रुप चंडीगढ़। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स की स्पाउस अपनी होम कंट्री में है और कनाडा में वो खुद स्टडी कर रहे हैं, तो वो अपनी स्पाउस को कैसे बुला सकते हैं। आज उसी के बारे में मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है अप्लाई करने के लिए और वो कितने टाइम के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि कनाडा स्टडी वीजा के अपडेट आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि स्पाउस ओपन वर्क परमिट जो है स्पाउस विजिटर वीजा से क्या डिफरेंस है और सबसे इजिएस्ट भी कौन सा है जिससे आपका स्पाउस कनाडा पहुंच सकता है। सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि वो अपने स्पाउस को स्पाउस ओपन वर्क परमिट के थ्रू अप्लाई करवाएं जिससे वो कनाडा पहुँच सके, पर माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि स्पाउस ओपन वर्क परमिट का प्रोसेस बहुत लेंथी है। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। मैं जनरली अगर बात करूँ तो 1.5 साल से 2 साल उसको लग जाते हैं और उसमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। और सबसे ईजिएस्ट वे जो है वो स्पाउस विजिटर वीज़ा है, जिसमें आपकी फॉर्मेलिटीज कम रहती हैं। स्पाउस विजिटर वीज़ा से बहुत इजीली स्टूडेंट का स्पाउस जो है वो कनाडा पहुंच जाता है। जब किसी भी स्टूडेंट का एक सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसके स्पाउस एलिजिबल होता है कनाडा में अप्लाई करने के लिए स्पाउस विजिटर वीज़ा के लिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है इसमें मैं अब बात करता हूँ। सबसे पहले अगर बात करूँ तो उस स्पाउस का मैरिज सर्टिफिकेट, बिकॉज मैरिज हुई होती है तो मैरिज सर्टिफिकेट इज द मेजर आई कैन से कि वो उसका डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मैरिज सर्टिफिकेट, अगर रजिस्टर ऑफ मैरिज है कोई किसी गुरुद्वारा में, किसी टेंपल में किसी ने मैरिज की है तो वहाँ का सर्टिफिकेट, उसके बाद जितनी भी सेरेमनीज हुई होती हैं मैरिज में उसके 10 to 12 फोटोज चाहिए होते हैं, और जितने भी दूसरे जो जैसे रिसेप्शंस किसी ने आफ्टर मैरिज दी है रिसेप्शन के सब 10 to 12 फोटोज उसको अटैच करने होते हैं। जितने भी मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स वो लगा सकते हैं मैरिज को प्रूव करने के लिए वो उसको अपने एप्लीकेशन के साथ लगाने होते हैं। बिकॉज आपने देखा हो कि आजकल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ट्रेंड चला हुआ था पीछे, और उसकी वजह से इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा चेक कर रहा है ऐसे केसेस को। इसके अलावा केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने अगर किसी ने हनीमून पैकेज लिया है तो हनीमून पैकेज का जो उसका डिटेल है वो अटैच कर सकते हैं। अगर फ्लाइट टिकट्स ली है हनीमून की तो उसके टिकट्स आप अटैच कर सकते हैं, साथ ही हनीमून के 10 to 12 फोटोज आप अटैच करते हैं अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके अलावा अगर आप डेली आप जो कन्वर्सेशन करते हैं, चैट करते हैं, तो चैट हिस्ट्री आप लगाएं जिससे कि आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि ये लग जाए कि आप अपने स्पाउस से मिलना चाहते हैं, यू आर फीलिंग होम सिक देयर। अदर देन दिस, आपको अपना पासपोर्ट की बायो पेजेस अटैच करने होंगे। अगर आपका कहीं किसी भी दूसरी कंट्री में ट्रेवल किया है तो जो भी वीज़ा स्टैम्प्स होंगी वो आपको अटैच करनी होंगी, क्योंकि आपने अगर ट्रेवल इकट्ठे करा है तो उससे और आपका जो केस है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जितने भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं 10th onwards आप सारे लगाइए, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, सैलरी स्लिप्स है, या लीव सेंक्शन लेटर आप लगा सकते हैं जिससे आप शो कर सकते हैं कि यू वर्किंग समवेयर और वो आपको आपके जो एम्प्लॉयर है उसने आपको लीव सेंक्शन किया है। आपको अपनी 2 years की ITRs अटैच करनी होगी अपनी एप्लीकेशन के साथ, साथ ही आपको जिस अकाउंट में सैलरी अगर आप जॉब कर रहे हैं क्रेडिट हो रही है तो उस अकाउंट की लास्ट फोर मंथ्स की अकाउंट स्टेटमेंट आपको अटैच करनी होगी। और अगर मेनली आपको जो फंड शो की बात करते हैं कि आपके अकाउंट में सफिशियंट फंड होना चाहिए, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं और आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो आप अकाउंट स्टेटमेंट ना लगाएं, पर अगर आपको वो फंड्स फिर भी शो करने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ FD या RD की फॉर्म में आप शो कर सकते हैं, और वो मिनिमम 5 lakh to 10 lakh आपके अकाउंट में होने चाहिए। और अगर बेटर है कि आपका 5 to 6 months वो ओल्ड हों तो इट वुड बी बेटर फॉर यू। साथ ही अगर आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है तो CA वैल्यूएशन रिपोर्ट जरूर लगाएं ताकि आपका केस और सॉलिड हो सके। इसके साथ साथ आपको अपना मेडिकल, जो अपफ्रंट मेडिकल रहता है वीज़ा के लिए, वो आपको करवाना होगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट PCC आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। माय डियर फ्रेंड, जितना आप अपना केस में मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उतना ही आपका केस सॉलिड होगा, और आपका जो स्पाउस है, अगर स्टूडेंट का स्पाउस किसी होम कंट्री में इंडिया में है तो वो इजिली कनाडा के
जो स्पाउसल वीजा है उसका वो अप्रूवल ले सकता है। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा स्टूडेंट की तरफ से उसको एक लेटर ऑफ इनविटेशन उसको स्टूडेंट को अपने स्पाउस के लिए भेजना होगा, जिसको हम जनरली इनविटेशन लेटर बोलते हैं। उसमें उसको मेंशन करना होगा कि वो अपने स्पाउस को कनाडा बुला रहा है, और साथ ही स्टूडेंट का आईडी कार्ड, स्टूडेंट का स्टडी परमिट, और उसके अलावा स्टूडेंट का जो जो कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट है वो लेटर लगाना होगा। इसके साथ साथ एक लेटर ऑफ इंटेंशन चाहिए कैंडिडेट की तरफ से जो अप्लाई कर रहा है, उसमें जस्ट सम सॉर्ट ऑफ एसओपी, अगर हम बात करें तो एसओपी की तरह होगा कि वाई ही गोइंग फॉर कैनेडा, और सारी एक एक चीज उसको उसमें मेंशन करनी होगी। आइटनरी यूज लगा सकते हैं अपनी ट्रेवल प्लान की, आप कनाडा में कितने टाइम के लिए ट्रेवल कर रहे हो और आपका कहां कहां आप उस टाइम में विजिट करोगे और क्या आपकी प्लानिंग रहेगी। अगर आपने होटल की रिजर्वेशन कराई है तो उसकी रिजर्वेशन की जो पेपर है उसको अटैच कर सकते हैं, इससे आपका फाइल स्ट्रांग हो सकती है। माई डियर फ्रेंड्स, स्पाउस विजिटर वीजा सबसे इजीएस्ट वे है अपने स्पाउस को कनाडा बुलाने के लिए। अगर आप स्पाउस कनाडा ओपन वर्क परमिट में आप फाइल करोगे वो बहुत लंबा प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग है, साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे उसके लिए। तो गाइज, आपको आई थिंक सारे डाउट अब क्लियर हो चुके होंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स का भी क्लैरिटी हो गई होगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ जब कनाडा स्पाउस विजिटर वीजा के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे और मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। वी बिलीव इन 100% जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज। थैंक यू वेरी मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक।